Assalamu alaikum. Today we will discuss about metamorphosis. Metamorphosis, it is a common process occurring in insects. Metamorphosis actually is coming from Greek word metamorph. Metamorph is a Greek word, is a combination of two words, meta and morph. Meta means change, morph means form, shakal ya banavat, kisi bhi jandar ki banavat ya uski shakal. एंड सिस का मतलब होता है कंडीशन. मुख्तलिफ हालात में इन डिफरेंट कंडीशंस कोई भी जानदार अपनी शक्ल चेंज करता है और वो अपनी एग स्टेज या लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नए इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. वो जितनी भी अपनी शेप्स चेंज करता है ग्रो करने में और अपना लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी शक्ल, उसकी फॉर्म, बनावट चेंज होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस? द चेंजेस ऑफ फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंसेज ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. As an insect approaches to adulthood, एक कीड़ा अपने, for example हम butterfly की मिसाल ले लें, तो उसके egg से पहले larva बनता है और larva से आगे फिर वो उसका पूरा adult butterfly बनती है. तो मुख्तलिफ stages जो आते हैं वो metamorphosis के through आते हैं. उसके अलावा frog की development अगर हम देखें तो frog में भी पहले फ्रॉग के एग से एक लार्वा बनता है एंड देन उसके बाद उसका पूरा फ्रॉग बन जाता है, तो वो सारा मेटामॉर्फोसिस से होता है. अकरेंस ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है ये देखा गया है इंसेक्ट्स में और एम्फीबियंस में. अब मेटामॉर्फोसिस में लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स हम देखेंगे. हम यहाँ बटरफ्लाई की मिसाल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई क्या करती है कि वो नया जानदार किस तरह बनता है कि वो अंडे देती है. एक बटरफ्लाई हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अ बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई का जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, एक बटरफ्लाई एग्स प्रोड्यूस करेगी. और वो एग्स बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्री एडल्ट प्री मैच्योर स्टेट कॉल्ड लार्वा. लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन लार्वा कन्वर्ट्स इनटू प्रीमेच्योर स्टेट ऑफ एडल्ट व्हिच इज कॉल्ड अ प्यूपा. प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो नेक्स्ट कन्वर्जन होगी, जो नेक्स्ट ये कन्वर्ट होगा वो अपनी एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी विल लेबल इट अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई जो है वो एग्स देगी, एग्स बनाएगी एंड देन एग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्वा प्यूपा एंड देन इनटू एडल्ट बटरफ्लाई. सो दिस इज द लाइफ साइकिल व्हिच इज अकरिंग थ्रू मेटामॉर्फोसिस. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडल्ट बटरफ्लाई और लार्वा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ पे एग से जो लार्वा बना है वो जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा, जो उसके दरमियान में लाइफ साइकिल्स के दरमियान में चेंजेस आ रहे हैं वो ड्रास्टिक चेंजेस होंगे. इन ड्रास्टिक चेंजेस के बाद वो मेटामॉर्फोसिस के जरिए एक एडल्ट में कन्वर्ट होगा और लार्वा और बटरफ्लाई आपके सामने बिल्कुल अलग अलग जानदार हैं और इनकी नीड्स, इनकी जरूरियात भी अलग हैं, इनकी हैबिटेट भी अलग होगा, इनकी फूड कंजम्पशन की नीड्स भी अलग अलग होंगी. तो ये जो चेंजेस हैं ये तमाम आते हैं मेटामॉर्फोसिस के जरिए एंड बटरफ्लाई डिवेलप करती है एग से एक नए एडल्ट में थ्रू मेटामॉर्फोसिस. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस की अहमियत क्या है? हमने अभी बात की कि मेटामॉर्फोसिस में एग्स और लार्वा बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं लार्वा में, देन एडल्ट बटरफ्लाई बनती है. तो एडल्ट बटरफ्लाई और लार्वा की जो फूड कंपटीशन है, फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, वो तमाम अलग होगा, हैबिटेट अलग होगा. तो इनके एडवांटेजेस हैं कुछ और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. मेटामॉर्फोसिस के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो लार्वा है और एडल्ट उनकी फूड रिसोर्सेज में कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि उनके रिसोर्सेज, उनकी नीड्स अलग अलग हैं. तो इसके एडवांटेजेस होंगे डू नॉट कम्पीट फॉर
food resources, उनके प्रीडेटर्स भी अलग होंगे. डू नॉट हैव सेम प्रीडेटर्स विच इज एन एडवांटेज फॉर मेटामॉर्फोसिस फॉर बटरफ्लाई. डू नॉट हैव सेम प्रीडेटर्स. इसके अलावा ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स. लार्वा और एडल्ट के हैबिटेट्स बिल्कुल अलग अलग होंगे, जो कि उनके लिए एक फ़ायदा है कि अगर इन्वायरमेंट उनके लिए मुनासिब नहीं है लार्वा के लिए, तो ज़ाहिर बात है उनका हैबिटेट बिल्कुल अलग है बटरफ्लाई से. ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स. सो दीज आर द एडवांटेजेस. और इसके साथ साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब हमने बात की कि इनके फूड रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं वो अलग हैं. तो अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पुअर न्यूट्रिएंट्स पुअर इन्वायरमेंट है, जहाँ पे फूड रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो लार्वा के लिए और एडल्ट के लिए मसला बन जाएगा फूड का. ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज भी है कि फूड के लिए कम्पीट नहीं करते, रिसोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है वहाँ पे अगर जहाँ पे माहौल पुअर न्यूट्रिएंट्स वाला माहौल हो. पुअर न्यूट्रिएंट माहौल में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे. एनवायरमेंट डू नॉट सरवाइव. उसके अलावा शॉर्ट लाइफ स्पैन. एडल्टहुड जो होता है उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. दिस इज एन डिसएडवांटेज. शॉर्ट एडल्ट लाइफ स्पैन. एंड अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज एडल्ट हैज द ट्रू मोबिलिटी. एडल्ट के पास ट्रू मोबिलिटी होती है. मोबिलिटी इज द अबिलिटी टू मूव. एडल्ट हैज द ट्रू मोबिलिटी. और इसके अलावा जो लार्वा है वो मोबिलिटी उसके पास होगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली ट्रू मोबिलिटी उसके पास नहीं होगी. ये एक डिसएडवांटेज है लार्वा के लिए, लेकिन एडल्ट के पास ट्रू मोबिलिटी होती है.